जाकिर के बारे में कैसे बताऊं सबको? घर में सब सुनेंगे तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा सबको। अगर ऐसी बातें छुपी भी तो नहीं रह सकती। अबो अबासा, चलिए चल के मीनाक्षी को वापस लेके आते हैं। चलो। और छोरा विक्रम से क्या कहेंगे? समधी सा हजार लोगों में पूरे समाज के सामने साफ फेरे लेने के बाद मारी छोड़ी इस घर में आई थी, और दमाद सा उसको हाथ पकड़ के घर पे छोड़ कर आई, ऐसा कैसे? समधन सा, मैं आपका दर्द समझती हूँ। अरे आप तो रहने ही दो। अरे अगर आप हमारा दर्द समझती ना तो अपनी घर की लक्ष्मी को घर से बाहर नहीं निकालती आप। मारी छोरी ने नौकरों जैसे इस घर में काम किया, जब आप सबका मन भर गया तो उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह ना बाहर निकाल दिया। ऐसी बात ना है जी, ताली एक हाथ से को नहीं बाजे। आपकी बेटी ने भी तो कोई कम कांड ना किया है ना? अरे वाह समधन सा, मारी छोरी जो करे वो कांड हो जावे है, और आपका छोरा जो करे वो तो धर्म कर्म का काम करे है ना? आप सब मारी छोरी से छुटकारा चाहते हो ना? ठीक है, लेकिन मारी एक शर्त है, मारी छोरी को हक देकर अलग करो, हक देकर। अगर आपके छोरे ने दुकान पर मेहनत की है ना तो मारी छोरी ने भी खून पसीना बहाया है उस दुकान पर। माँ तो ये क्या कह रही है? अरे मारे को कोई हिस्सा विस्सा ना चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने विक्रम जी के साथ रहना है। तू जा यहाँ से। कौन से विक्रम जी की बात कर रहे हैं? अरे अंती हुई जा रही है जी, वही है जिसने अपने लिए ना छोरी ढूंढ ली है। अभी भी आंखें खोल दू। लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना, अगर थारे को हिस्सा मिल जाएगा तो तू अड्डे से चली जाएगी। नहीं नहीं भाबो, आपकी सौगन, मारे को कोई हिस्सा भी ना चाहिए, ये तुम्हारे ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अरे इसके बात करे हो, मारे से बात करो। हाँ मारे को हिस्सा चाहिए। कल उस छोरी को मारी छोरी का लहंगा दे दिया, अब गहनों की बारी है, हमें गहने चाहिए बस। आप बस कर रहे हो? अरे चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। हमारे को हिस्सा चाहिए समधन साहब, हमने शादी पे जो भी खर्चा किया हमें उसका हिसाब चाहिए, उसके ऊपर उसका ब्याज भी चाहिए। काकी साहब देखिए, सब घर वाले जानते हैं कि मीनाक्षी अब भी इस घर की बहू है, और ये आपस के रिश्ता की बात है। देखिए अगर तो आपको रिश्ता खत्म करना है तो ये लेन देन की बात कर लो, नहीं तो आपस की बात है, बैठ के सुलटा लेते हैं ना। कौन से रिश्ते की बात करे है? यहाँ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही रिश्तेदारी। अब होगा तो सौदेबाजी होगी। क्या समझा था आपने? मारी छोरी को आप हाथ पकड़ कर घर से निकाल देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? ना समझन सा, ऐसा कौन नहीं होवेगा। मत चुप हो जा, अरे घर बर्बाद मत कर। अरे दो मिनट में हल्ला मचा दूंगी, पूरे हनुमान गली को यहाँ पे खड़ा कर दूंगी मैं, और बताऊंगी कि कैसे अत्याचार हुए हैं हमारी छोरी पर। बस ले, ये बावला आ गया, अब क्या बोलेगा। बहुत कह चुकी आप और बहुत सुन चुके हम, अब आप मेरी सुनिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, जो करना कर लीजिए, जाके निकलो। मैंने कहा निकलो। अरे ऐसा कैसे निकल जाए? मारी छोरी को तो हाथ लगा के तो दिखा, मारी छोरी यहीं पर रहेगी जब तक उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, हाँ आपकी छोरी। हाँ। चल जैसे। नहीं जी, को नहीं करूं। अरे छोड़ मारी छोरी को, निकलो यहाँ से। अरे क्या समझे अपने आप को? अरे जी का बेटा जो बोले वो समझे ही, तो मैं अदालत पे देख लूंगी। चल इनको सबको देख लेंगे, राठे परिवार को एक एक को देख लेंगे। तू चल, तू चल यहाँ से, इन लोगों को तो मैं एक एक को अदालत पे खींचूंगी, तू चिंता कौन नहीं कर। मीनाक्षी आंटी जी, मीनाक्षी को कहाँ लेकर जा रही है आंटी जी? अब के बताओ बिंदनी, यू समझ की बात हाथ से निकली गई। तो समधन सा यहाँ तक कह रहे थे कि उसे दुकान का आधा हिस्सा चाहिए और पता नहीं क्या चाहिए। अब तू ही कोई रास्ता निकाले तो निकाल बिंदनी, हम लोग तो सोच सोच के थक गए। ठाकुर जी साक्षी है बिंदनी, मैं तो घर छोड़ने गई थी, सोची थी कि हमारे टाबरों का रिश्ता टूटने से बच जाएगा। अठे तो बात उल्टी पड़ गई,
अब तो रिश्ता टूटने के कटार पर पहुंच गया, और रही कई कसर ना वो समदन सा ने पूरी कर दी है। अब मारी छोरी की जिंदगी को क्या होवेगा बीनड़ी, अब तो ही कोई रास्ता निकाल। हाँ बीनड़ी, तू तो बड़े बड़े केस निपटावे है ना, मैं थारे से विनती करूंगा बीनड़ी, जरा सोचना इन दोनों के बारे में। अगर थाने कचहरी तक बात पहुंच गई तो ब्रह्मा जी भी ये रिश्ता ना जोड़ पाएंगे। बाबू, एक रास्ता तो है जो इन दोनों को फिर से एक साथ ला सकता है। हा? तो बता ना कौन सा रास्ता है, हम जरूर पूरा करेंगे। हाँ बेंद्रे, तू जो बोलोगे हम मानेंगे। बाबा साहब, तरीका इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, मगर अगर आप सब चाहते हैं तो एक यही रास्ता है कि बाद में दम है, हम तो आज ही छोड़ बैठे थे। सूरज बेटा जा, बटे विक्रम बैठा है वो सीढ़ियों पर, तू जा उसको लेके आ। जी जी बाबा साहब। संतोष अभी आने वाला है, चुपचाप बैठ, नाटक करना है हमें, याद है ना? हे मालाराम जी, संतोष। हाँ। कोर्ट कचहरी में सही के गलत के नाम तो उछलेगा ही ना, अब बदनाम तो हो ही जाएंगे हम, अब क्या कर सकते हैं। समदन साहब ऐसे चुप बैठने वाली कौन है, बड़ी तेज है वो, हमें तो कोर्ट के चक्कर लगवाएगी। तो इसका क्या मतलब, क्या हम उनकी धमकियों से डरते रहेंगे? और वैसे भी जो उनकी बेटी ने किया है उसके बाद ना तो उस घर में रहने के लायक है और ना ही कोई हिस्सा पाने के। एक बार, बस एक बार अगर हमने टावर बदलने का मुकदमा ठोक दिया ना उस पर, तो देखना कैसे अकड़ ठिकाने आती है दोनों माँ बेटी की। ना बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? पति पत्नी के रिश्ते में चाहे प्रेम हो चाहे झगड़ा हो, अगर बात घर की दीवारों से भी उछल कर बाहर वालों के कानों तक पहुंच जाएंगी ना, तो वो पति पत्नी नहीं हंसेंगे, उन पर कीचड़ उछालेंगे। और मैं को नहीं चाहूं कि जे तूने रिश्ता किया ना प्रेमा के साथ, मैं ना चाहूं कि जे शुरुआत ऐसी हो। हम केस ठोकेंगे, वो केस ठोकेंगे, दोनों केस ठोकेंगे, तो फैसला आने में तो सालों लग जाएंगे। क्यों बेटा, हर महीने हम सारे घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, और ऊपर से जो वकीलों का खर्चा, हारने जीतने से पहले ही हम सब टूट जाएंगे। अब मैं जे चाहूं ऐसा कुछ तरीका निकालते हैं जिसमें उनके मुंह भी बंद हो जावे, हमारी चपले भी ना घिसे, और तू प्रेमा के साथ प्रेम के साथ रहे। बिल्कुल सही जी। बीनड़ी, तू तो कानून जानी है ना, तू कोई रास्ता बता दे। भावो, तरीका तो है पर बरबर को गोली मार। बीनड़ी, तू तो बस तरीका बता, इस घर को बचाने के लिए तू जो बोलेगी हम करेंगे। तरीका कुछ ऐसा है जिससे मीनाक्षी की माँ कोई केस नहीं कर पाएंगी हम पर, और साथ ही विक्रम भैया भी प्रेमा के साथ खुशी खुशी नया जीवन शुरू कर पाएंगे। लेकिन पता नहीं आपको मेरा वो तरीका पसंद आएगा या नहीं। ए? क्यों पसंद को नहीं आवेगा, बता तो सही के तरीको है थारो। तू बोल, तू जो बोलेगी हम सब वही करेंगे। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। देखिये बाबा साहब, जिस तरह विक्रम भैया ने प्रेमा के साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला ले लिया, वैसे ही हम मीनाक्षी का भी दूसरा ब्याह करवा देते। थारो दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, के बात कर रही है तू? मीना का रिश्ता हम ढूंढेंगे, जे तरीका पसंद ना है मारे को। क्यों बाबू, खराबी क्या है इसमें? अब विक्रम भैया भी तो प्रेमा के साथ नई जिंदगी बसाने जा रहे हैं, इसलिए तो हम सबको लग रहा है कि मीनाक्षी के साथ अन्याय हो रहा है। अब जो अगर मीनाक्षी भी अपनी नई जिंदगी बसा ले, अपनी नई घर गृहस्थी बसा ले, तो शिकायत का कोई कारण ही रहेगा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश, जब विक्रम भैया को ये अधिकार मिल सकता है तो मीनाक्षी को भी अपने हिस्से की जिंदगी चुनने का पूरा अधिकार है बाबू। वैसे
अगर एक टाइम के लिए देखा जाए तो बात तो सही है आपकी, और मुझे लगता भी नहीं कि इसमें कोई हमें दिक्कत भी आएगी। रे छोरा, तू ही बता, अगर विक्रम चाहे कि मीना को दूजो ब्याह हो जाने से उसकी जिंदगी में शांति मिल सके, खुशी मिल सके ना, तो मैं मीना को दूजो ब्याह करने के लिए तैयार हूं, है ना छोरा? सूरज के बाबा साहब, आपने क्या लगा? अम्मा ने भी संतोष, तू राजी तो मैं भी राजी, पर हमारे राजी होने से क्या होगा? जब विक्रम राजी होगा तो ही तो बात बनेगी ना, क्यों संध्या बिगड़ी? विक्रम को के, विक्रम तो पहले से ही राजी बैठे, राजी है ना छोरा? बाबा साहब, विक्रम से क्या पूछ रहे हैं? वैसे भी विक्रम तो मीनाक्षी को उसके घर पे छोड़ी है ना। हाँ, अब ऐसे में मीनाक्षी चाहे कुएं में गिरे या पहाड़ पे चढ़े, इसको उससे क्या? क्यों विक्रम, मैं सही कह रहा हूँ ना? छोरा, तू तो गलत बोल ही नहीं सके। हाँ, तू एकदम सही है, है ना छोरा? जी भाई साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साहब, हाँ वो, मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। याद है कैसे बचपन में सिर्फ ऊपर के मन से बोलता था कि मुझे लड्डू नहीं खाने, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा लड्डू खाने की इच्छा इसी की होती थी। इसलिए अब जो भी कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद में और ऊपर के मन से कर रहा है। बिल्कुल सही कहा बेटा, अब शुरू होगा मीना विक्रम के रिश्ते का नया अध्याय, मीना का दूसरा ब्याह विक्रम के साथ। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।